हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी जुगाड़ बाय यूआरएस। आज मैं आपके साथ नवरात्रि स्पेशल व्रत वाले इडली सांबर और चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी काफी इजी है और इसे बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, सो आइए शुरू करते हैं। व्रत की इडली के लिए मैंने लिया है 1 कप समा के चावल, जिसे भागड़ भी कहते हैं, और 1/2 कप साबूदाना। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से साफ कर लेंगे और इन्हें ग्राइंडर में पीस कर फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए समा या भागड़ और साबूदाना का पाउडर यानी आटा रेडी हो गया है। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि इससे कई सारी चीज़ें और बनाई जा सके। अब इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून के करीब दही डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिलाना है, जिससे कि एक स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए। अब इसे ढककर 4 से 5 घंटे के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख दें। अब व्रत के सांबर बनाते हैं। व्रत के सांबर के लिए मैंने लिए हैं बड़े कटे हुए लौकी, गाजर, टमाटर और छोटे कटे हुए हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते एंड टमाटो प्यूरी। आप चाहे तो टमाटो प्यूरी की जगह फाइन चॉप्ड टमाटर भी ले सकते हैं, या टमाटर को पीस कर ऐसा प्यूरी भी बना सकते हैं। अब एक कुकर में ऑयल या घी गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए, तब उसमें 1 टेबलस्पून जीरा डालेंगे। जीरा जब अच्छे से स्प्लटर हो जाए, तब उसमें कटे हुए हरी मिर्च और अदरक डाल लेंगे। हरी मिर्च एंड अदरक के बाद करी पत्ते, कटे हुए टमाटर, लौकी और गाजर भी डाल लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे एंड 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर एंड 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब फाइनली इसमें टोमेटो प्यूरी भी डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप सांबर को अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें हल्का सा चीनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि सांबर हल्की खट्टी मीठी होती है, तो मैंने 1/2 टेबलस्पून के करीब चीनी डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगा लें और 2 से 3 सीटी आने तक सांबर को पकने दें। 3 सीटी आने के 5 मिनट बाद कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। ये देखिए सांबर रेडी है। सारी सब्जियां अच्छे से पक गई हैं और बड़े पीसेस होने के कारण ये गले भी नहीं हैं। अब सांबर में तड़का लगा लेंगे। तड़के के लिए तड़का पैन में ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद उसमें 5 से 6 करी पत्ते और 2 से 3 खड़े लाल मिर्च डाल लेंगे। तड़का जब अच्छे से भुन जाए,
तब तड़के को सांबर में डायरेक्ट डाल लेंगे। सांबर अब रेडी है। अब व्रत वाली चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने लिए हैं नारियल। नारियल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। नारियल के साथ मैंने 6 से 7 हरी मिर्च डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर पीस लेंगे। नारियल को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला है और अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक यानी व्रत के नमक डाल लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब फाइनली इसमें तड़का लगा लेंगे जैसे सांबर में लगाया था। 5 से 6 करी पत्ते और 2 से 3 खड़े लाल मिर्च को भूनकर तड़का लगाकर इसमें डायरेक्ट डाल लेंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने फर्मेंटेशन के लिए इडली का बैटर रखा था उसे चेक कर लेंगे। इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। व्रत वाली इडली का बैटर रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल इडली के बैटर जैसा ही होना चाहिए। अब इडली फ्रेम्स को घी या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब हर फ्रेम में बैटर को पोर कर लेंगे। इडली स्टीमर में 1 ग्लास पानी डालकर उसे प्रीहीट कर लेंगे। पानी जब गर्म हो जाए तब इडली फ्रेम्स को स्टीमर के अंदर डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। दस से 15 मिनट के बाद इडली को चेक कर लेंगे। व्रत वाली इडली भी बन गई है। अब इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद इडली को डीमोल्ड कर लेंगे। व्रत वाली इडली नॉर्मल इडली की तरह फ्लफी या पफी नहीं बनते क्योंकि उसमें सोडा या किसी भी तरह का बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या इनो नहीं डलता और ज़्यादा देर के लिए फर्मेंटेशन के लिए भी नहीं रखा जाता, बट ये खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये हो गए हमारे व्रत वाले इडली सांभर और चटनी तैयार। सो इस नवरात्रि के व्रत में वही बोरिंग खाना ना खाएं और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके व्रत वाले इडली सांभर और चटनी कैसे बने। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू डिड एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।